बेगूसराय प्रेस क्लब में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शालिग्राम सिंह की अध्यक्षता में पत्रकार सुधांशु पाठक को पुलिस के द्वारा हत्या के मुकदमे में फंसाने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज देने के मामले में एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार सुधांशु पाठक को हत्याकांड के मुकदमे में पुलिस के द्वारा फंसा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जहां बैठक में शामिल सैकड़ों पत्रकारों बेगूसराय पुलिस के रवैये के खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में पत्रकार सुधांशु पाठक को बेगूसराय पुलिस के द्वारा एक साजिश के तहत फंसाने के विरोध में जिले में विशाल पत्रकारों का धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस मामले को सीआईडी से जांच कराने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार को लगातार पुलिस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पत्रकार पुलिस के खिलाफ लगातार खबर प्रसारित कर रहे हैं और इसके एवज में पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे कर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का भी काम किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर पत्रकार गोपाल कुमार, अशोक राय, राजेश सिंह, पवन बंधु सिन्हा, धनंजय झा, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, पंकज झा, अजय शास्त्री, संजय कुमार, कौनैन अली, प्रभात कुमार, अवधेश कुमार, नबी आलम, आकाश कुमार समेत अन्य पत्रकार मौजूद थे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। जो हत्या का मुकदमा है उसमें फंसाकर जेल भेज दिया है। ऐसी परिस्थिति में जिले के तमाम पत्रकारों की आज एक बैठक बुलाई गई थी विरोध प्रदर्शित करने के लिए। तमाम लोग यहां जमा हुए और उन लोगों ने तय किया है कि पुलिस के प्रताड़ना के विरुद्ध तमाम पत्रकार एकजुट होकर यहां से राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, विरोधी दल के नेता और तमाम विरोधी जो सरकार के विरोध में है, सरकार के पक्ष में है, हम तो सबका काम करते हैं, तो समाज के लिए काम करते हैं, सभी लोगों से मिलकर हम अपनी बात रखेंगे और जो यहाँ हो रहा है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन की रूपरेखा है सर? आंदोलन की रूपरेखा है कि हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ है, धरना करने का निर्णय हुआ है। जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे सामूहिक रूप से पत्रकार उनसे मिल के अपनी बात रखेंगे और उन पर जो प्रताड़ना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है इसके विरोध में उनको बुलाएंगे, हम उनसे मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारी इसमें मदद करिए, वो मदद करेंगे भी। इसमें क्या सब कुछ रखा गया है, कब तक जिला में कोई प्रदर्शन भी किया जाएगा? उसका तिथि निर्धारण एक कमेटी बनाई गई है, उसका तिथि निर्धारण 2 से 3 दिन के अंदर उसकी तिथि का निर्धारण हो जाएगा। 3 से 4 दिन में वो तय हो जाएगा कि किस दिन हमको प्रदर्शन करना है। और जनप्रतिनिधि से मिलने का तो आज से ही कार्यक्रम शुरू हुआ है कि सभी राजनीतिक दलों के यहाँ हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम जिलाधिकारी से भी मिलेंगे, हम डीजीपी से भी मिलेंगे, डीआईजी से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे। सर आप लगभग अब मैंने अंतिम पायदान पर दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।